वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। इससे पहले मेटालिक मिनरल्स के हम लोग 3 पार्ट्स में मेटालिक मिनरल्स कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो अगर आप लोग इसको बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बंगाली लैंग्वेज का जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके सेम वीडियो बंगाली लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो अगर नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइका के बारे में। माइका अगर देखा जाए तो इसको ओर में से निकाला जाता है, जिसका नाम है मुस्कोफाइट, बायोटाइट और फाइग्लोफाइट। ओर्स मतलब आप समझ जाते हैं, ओर मतलब होता है मान लीजिए कोई पत्थर है उसमें बहुत कुछ है और उसके साथ माइका भी है, मतलब माइका प्लस दूसरे इम्प्यूरिटीज है। जो प्योर फॉर्म में निकाला जाता है उसको कहा जाता है माइका। तो ऐसे आप लोग मेटल्स में भी होते थे और नॉन मेटल्स में भी आपका सेम कैरेक्टर फॉलो होता है। तो जिस जो ओर में से निकाला जाता है उसको कहते हैं मुस्कोफाइट, बायोटाइट और फाइग्लोफाइट। माइका इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ द इंसुलेटिंग कैरेक्टर। तो माइका क्यों पॉपुलर है? बिकॉज ऑफ द इंसुलेटिंग कैरेक्टर, मतलब ये गर्मी को बाहर जाने नहीं देता, इसीलिए माइका का यूज किया जाता है। मेनली यूज द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम लोग जितने भी घर के सामान इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देखेंगे, घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो ज्यादातर आपके माइका से बने होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कोई स्विच बॉक्स है, स्विच बॉक्स के बाहर एक सर्फेस रहता है ताकि हम अंदर हाथ ना दे पाए, इससे वो मेनली आपके माइका से बनता है। और अगर हम लोग आप लोग ध्यान देंगे इसलिए बोला जाता है कि पानी से कभी मत टच कीजिएगा, क्योंकि पानी से अंदर जो होता है एक कनेक्शन बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जब बाहर के कवरिंग रहता है, जैसे माइका से कवरिंग रहता है, तो बाहर का इलेक्ट्रिसिटी अंदर की इलेक्ट्रिसिटी से बाहर का कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग सेफ रहता है। इसलिए इसे इतने मेनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपका माइका प्रोडक्शन भी होता है और इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। तो कौन सा नॉन मेटल इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट होता है? वो है आपका माइका। और अगर यहाँ पर बात किया जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा माइका कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो फिर वो होता है आंध्र प्रदेश। तो माइका प्रोडक्शन के बारे में हम लोग को दो चीज पता चला, एक है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका, और अगर सिर्फ इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में आपके आंध्र प्रदेश स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा आपका माइका यूज होता है। अब देखेंगे हम लोग रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स मतलब जो जो भंडार होते हैं जहां पर माइका डिपॉजिट सबसे ज्यादा मिलता है, वो सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी अगर पर्टिकुलर एरिया देखा जाए तो फिर आता है आपका नेल्लोर और विशाखापट्टनम। जैसे हम लोग ने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा माइका प्रोडक्शन होता है और सबसे ज्यादा रिजर्व यहाँ पर मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पर्टिकुलर एरिया, एक है आपका नेल्लोर, दूसरा है आपका विशाखापट्टनम। फिर आएंगे हम लोग राजस्थान में। राजस्थान में अगर देखे तो फिर माइका मिलता है आपके अजमेर में, टोंक में और धुंधरपुर, तीन जगह में मिलता है, अजमेर, टोंक और धुंधरपुर। फिर हम लोग देखेंगे झारखंड में कहाँ कहाँ पर मिलता है। झारखंड में अगर देखें तो मिलता है धनबाद में और गया में। झारखंड में दो जगह बहुत ही फेमस, एक है धनबाद और एक है आपका गया में। दूसरे अगर स्टेट्स की बात की जाए जहाँ पर ये माइका बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, वो है आपका बिहार, गुजरात, तमिलनाडु और आपका छत्तीसगढ़। तो माइका इन सारे स्टेट्स में बहुत ही हाई क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए आप देखें हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका। तो स्टेट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपके आंध्र प्रदेश में, माइका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में। अब दूसरे नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के बारे में अगर बात किया जाए तो लाइमस्टोन का यूज होता है आपके सीमेंट में और आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज में। जो आयरन एंड स्टील के इंडस्ट्रीज होते हैं और सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है, इसका यूज किया जाता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो मेनली जो यूज होता है आपके सीमेंट बनाने में और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में मेनली यूज किया जाता है। और इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा जितने केमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है आपका लाइमस्टोन। द रैपिड अर्बनाइजेशन हैज लेड टू हेवी डिमांड फॉर द नॉन मेटल। तो आप समझ ही सकते हैं जैसा सीमेंट। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन मतलब हो गया शहरीकरण। अब किसी मतलब गांव के एरिया अगर शहर होगा तो क्या होगा, वहां पर नए नए बिल्डिंग बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगे, तभी वो जगह शहर जैसा बनेगा। तो अगर बिल्डिंग बनेंगे तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, सीमेंट में भी आपके लाइमस्टोन का काम है। फैक्ट्रीज बनेंगे, जैसे फैक्ट्रीज में आयरन एंड स्टील तो लगती है, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल भी अगर इंडस्ट्रीज रहा तो भी वहां पर लाइमस्टोन, फिर आपका केमिकल इंडस्ट्रीज में भी लाइमस्टोन आता है। तो कैसे भी आगे अगर अर्बनाइजेशन होगा किसी भी जगह में तो फिर वहां पर लाइमस्टोन का जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से भी इंडिया में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ उसके कारण लाइमस्टोन का डिमांड जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राजस्थान इज द लीडिंग माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। यहाँ पर आपका थोड़ा प्रिंटिंग में गलत हो गया, तो यहाँ पर राजस्थान इज द लीडिंग माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं होगा, यहाँ पर होगा राजस्थान इज द लीडिंग लाइमस्टोन। आप जब भी एग्जाम देने जाए एक बार ये फैक्ट देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है कोई भी मेटल का या फिर नॉन मेटल का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले दिखाता था मध्य प्रदेश, पहले आप गूगल में अगर देखेंगे तो फिर दिखाता था मध्य प्रदेश, और अभी के आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो फिर दिखाता है आपका राजस्थान। तो ऐसे करके सारे जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स है उनमें चेंज होता है। तो आप एक जब भी आप एग्जाम में जाओ उससे पहले एक बार आप ये फैक्ट चेक कर लें। फिर हम लोग जिस नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट की बात अगर की जाए तो ये भी एक तरीके का चूना पत्थर ही होता है। इसके पहले हम लोग ने चूना पत्थर के बारे में पढ़ा था, तो ये भी एक तरीके का चूना पत्थर होता है। और इसमें स्पेशलिटी क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम पाया जाता है।
ये आप वही देख सकते हैं, कंटेन मैग्नीशियम ओर बिटवीन 10% एंड 40%। इसमें आपका मैग्नीशियम ओर बहुत ज्यादा रहता है और दूसरे जो लाइमस्टोन होते हैं उनमें आपका मैग्नीशियम ओर इतना ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए इसको यूज किया जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। जैसा कि आपने देखा है कि चूना पत्ता यूजुअली यूज किया जाता है आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, उसमें सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है आपका डोलोमाइट। यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो फिर आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ डोलोमाइट। फिर हम लोग देखेंगे एस्बेस्टस के बारे में। एस्बेस्टस की अगर बात की जाए तो एस्बेस्टस इज यूज्ड इन मेकिंग रूफ पेपर बेल्ट फायर प्रूफ सेफ्स एक्सेट्रा। तो कहाँ कहाँ पर यूज होता है, रूफ बनाने में, पेपर बेल्ट बनाने में, फायर प्रूफ सेफ बनाने में। और इसका अगर सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट देखा जाए तो इसका सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपके राजस्थान। राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ एस्बेस्टस इन इंडिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेसाइट के बारे में। मैग्नेसाइट आप नाम से समझ सकते हैं कि मैग्नेसाइट का क्या काम होता है, ये मैग्नीशियम से रिलेटेड होता है। तो जो मैग्नीशियम हम लोग स्टील इंडस्ट्रीज में निकालना चाहते हैं या फिर निकालते हैं मैग्नीशियम, वो ज्यादातर आपका निकालने के लिए यूज किया जाता है मैग्नेसाइट। यही इसका मेन काम होता है, यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल मैग्नीशियम। अगर स्टेट्स में देखा जाए तो स्टेट्स में आपका तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट मैग्नेसाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और इंडियन स्टेट्स में देखा जाए तो फिर आपका तमिलनाडु है इज द लार्जेस्ट मैग्नेसाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ये जो सारे नॉन मेटल्स है इसको आपको वर्ल्ड के हिसाब से नंबर याद नहीं रखने, कि वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी पीछे आ जाते हैं ये सब नॉन मेटल्स। आता है जो नॉन मेटल्स है सिर्फ आपको माइका ये याद रखना है जो कि आपका इंडिया टॉप प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। फिर हम लोग देखेंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम के बारे में अगर देखा जाए तो जिप्सम यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बहुत ही कॉमन होता है, घर में भी बहुत यूज होता है और पेंटिंग होने से पहले भी जो दीवार है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढका जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात की जाए, हम लोग स्कूल में भी एसयूपीडब्ल्यू बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते थे जहां पर अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में आपका जिप्सम यूज किया जाता है। और जिप्सम कहाँ पर यूज होता है, वो होता है आपके फर्टिलाइजर्स में। तो दो जो मेन यूज होते हैं, एक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में, दूसरा आपका फर्टिलाइजर्स में। इंडियन स्टेट्स में अगर देखा जाए तो फिर राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया। इंडियन जितने स्टेट्स है उसमें टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम है राजस्थान। तो आज का आखिरी नॉन मेटल डायमंड, आज का आखिरी नॉन मेटल हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका डायमंड। इंडिया में अगर देखा जाए तो डायमंड सिर्फ एक ही स्टेट में प्रोड्यूस होता है और वो होता है मध्य प्रदेश में। सिर्फ मध्य प्रदेश में आपके डायमंड के जो माइंस है वो मिलते हैं पूरे इंडिया में, और बाकी किसी भी स्टेट में नहीं मिलता है डायमंड का। तो इंडिया में अगर लार्जेस्ट डायमंड माइन देखा जाएगा तो ये है आपका माघवन माइन जो कि आपके पन्ना में, और ये ऑब्वियसली कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड माइन कौन सा है, तो माघवन माइन जो कि आपके पन्ना में। और डायमंड की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो है आपका कोहिनूर डायमंड। तो कोहिनूर डायमंड आपका कहां पर मिला था, ये आपके मिला था कोहिनूर माइन से जो कि आपके आंध्र प्रदेश में। तो फिर कोहिनूर डायमंड कहां पर मिला था, तो मिला था आपके कोहिनूर माइन में जो कि आपके आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ आपका जो मेटल और नॉन मेटल्स का चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो पे।